अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मुहिब अली फैमिली वीडियोस। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, एक दफ़ा फिर हम आपको लेकर जा रहे हैं एक और सोसाइटी दिखाने के लिए। और ये सोसाइटी जी, जो मैंने आपको पिछली सोसाइटी दिखाई थी जी, उस सोसाइटी के साथ ही ये दूसरी सोसाइटी बनी हुई है। और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में गुलिस्तान कासिम दिखाया था और वहाँ की आपको डिटेल दी थी, दिखाया था कि वहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या कीमतें चल रही हैं, और आप लोगों ने उसे पसंद भी किया। तो जी, ये वीडियो भी उसी दिन की है, हम लोग जब गुलिस्तान कासिम से बाहर निकले। तो जी, इसके सामने ही एक और सोसाइटी थी और वहाँ पे वे लाश बने हुए थे। तो हमने सोचा कि आपके साथ उसको भी शेयर किया जाए और आपको वो भी दिखाया जाए। तो सरजानी में इस वक्त काफ़ी तेज़ी से काम जा रहे हैं और कई नई सोसाइटियाँ बन रही हैं और कई पुरानी सोसाइटियाँ भी हैं यहाँ पर। तो जी, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कौन से विलास हमने देखे हैं। ये अभी तक तो कासिम गुलिस्तान कासिम चल रहा है, और जैसे ही हम रोड पे इंटर हुए तो हमें एक और वहाँ पे विलास बने हुए नज़र आए हैं। तो आपको दिखाते हैं वो विलास, और वो विलास हैं जी पर्ल विलास के नाम से। और वहाँ पे अभी सिर्फ विलास ही बने हैं और उनका अभी काम जारी है। तो आइए, एक छोटा सा विज़िट करवाते हैं हम आपको वहाँ का। तो आप हमारे साथ चलिए जनाब, पर्ल विलास दिखाते हैं हम आपको। हम इस वक्त गुलिस्तान कासिम से बाहर निकल रहे हैं और बिल्कुल उसके सामने ही रोड है, और उसके रोड के सामने जनाब ये पर्ल विलास बन रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। पर्ल्स विलास, तो जी इस वक्त हम आपको लेके जा रहे हैं पर्ल विलास की तरफ। और ये है यहाँ की एंट्री, एंट्री गेट है जनाब पर्ल विलास का। और हमने यहाँ पे देखा है कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर भी काम शुरू हो चुका है और काफ़ी काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये मेन रोड है जो अंदर की तरफ जा रहा है पर्ल्स विलास की तरफ। और ये इसका जनाब कमर्शियल एरिया है जो शुरू में बनाया जाता है। ये सारा कमर्शियल एरिया है जो अभी खाली है और यहाँ अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन इनके विलास तैयार हो गए हैं जो 120 गज में हैं, बने हुए हैं वो, इन्होंने तैयार है यहाँ पे। और तो चलिए पहले इनके पे आपको हम दिखाते हैं विलास। आपको दिखाने के लिए लेकर आए हम कराची की सोसाइटी एक बार। ये भी तक तैयार है, 1 यूनिट बंगलोस। अच्छा, ये सिंगल स्टोरी है ना। ये भी कौन सा कहलाते हैं? सिक्स सी सेक्टर, पर्ल विलास। जिस वक्त कैमरे पे बहुत मक्खियाँ आ रही हैं क्योंकि सीज़न की वजह से यहाँ काफ़ी मक्खियाँ थीं। ये फरहान भाई हैं और इनको यहाँ की तमाम डिटेल मालूम है। अगर आपको किसी तरह की भी मालूम चाहिए नॉर्दर्न बाईपास तो मैं इनका नंबर शेयर कर दूंगी, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। शुरू का भी खुला हुआ था। ऊपर भी बना हुआ है।
सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और ये टैंक है तकरीबन कंप्लीट है। देख लें आप पहाड़ियों के पास सारा काम अभी चल रहा है पहाड़ों पे। एक और सोसाइटी ये ऊपर भी बने हुए एक एक कमरे ना। ये भी ऊंचाई पे बने हुए और ये नीचे की तरफ जा रहे। मक्खियां बहुत हैं सीजन की वजह से, काफी मक्खियां हैं। गेट हैं अच्छी कंडीशन के लग रहे हैं बने हुए। क्यारियाँ भी दी हैं और अभी काम यहाँ पे जा रही है, पीछे भी बन रहे हैं। इस तरह के बनेंगे कुछ तो आई थिंक ये मॉडल होगा। ये मॉडल फ्लैट बनाया हुआ है। ये किचन है जी और इसके सामने ही टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम सेट किया हुआ है, दो बेडरूम है शायद 120 का लग रहा है मुझे। ये बेडरूम है, अटैच बाथ हमारी है, अटैच बाथ है, ये पीछे की गेरली है। ले ले। ये कमरा ये। एक बेडरूम है ये और ये है जी अटैच बाथ साथ में, ये पीछे का गेरली, वॉशिंग एरिया है, ये वॉशिंग एरिया है, अच्छा बना हुआ है। ये वॉशिंग एरिया है, लकड़ी के दरवाजे भी अच्छे लगे हैं। ये ऊपर का है, मैं यहाँ से दिखा रही हूँ ऊपर का है, ऊपर भी रूम बना हुआ है। जी ये बाहर के साइड का है वेलास के बाहर जनाब, यहाँ बनी है कमर्शियल एरिया और ये सारी जगह उसकी खाली है और यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। आपको मशीनें वगैरह नज़र आ गई होंगी। तो इसके साथ ही आपको जो बाउंड्री नज़र आ रही है वो नॉर्थ टाउन वेलास है साथ में ही, और ये दोनों बिल्कुल करीब में हैं। पहले आपको पल वेलास मिलेंगे, उसके साथ ही आपको नॉर्थ टाउन वेलास नज़र आएंगे। तो जी ये सारा एरिया है जहाँ पे अभी काम होना बाकी है पल विलास में। यहाँ पे जनाब सारा इनका कमर्शियल एरिया बनेगा और ये बाहर से कुछ लुक है इसका,
और इनका ऑफिस बना हुआ है बाहर की साइड पे ये, और इसके बिल्कुल ही साथ में आपको नॉर्थ टाउन विलास नज़र आते हैं। ये है जनाब पन विलास जो हमने अभी आपको विजिट करवाया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।